नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रामन टेक एंड बैंकिंग YouTube चैनल में। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि अभी CSP पोर्टल पे APS को लेकर काफ़ी बदलाव हुआ है, जिसमें कि पहले हम क्या करते थे, जो ब्लाइंड पर्सन का APS था वो हम नहीं कर पाते थे। अब इसमें जो नया ऑप्शन आ गया वो ब्लाइंड पर्सन का भी आ गया कि यदि कोई व्यक्ति दृष्टिहीन है, जो देख नहीं सकता, अंधा है, ऐसे में उसकी हमारे पॉइंट पे थोड़ी दिक्कत होती थी कि उसे पेमेंट कैसे दे, क्योंकि अंधे व्यक्ति को पेमेंट देने के लिए एक जो ब्लाइंड मैन है उसे एक विटनेस चाहिए। तो हमारे पास अभी तक ऐसा कोई कॉलम नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था कि वहाँ पर किसी के विटनेस के साइन वगैरह करवा के APS के माध्यम से उसके हम पैसे निकाल सकें। लेकिन अभी जो अपडेट किया हुआ है कल हमारे SBI ने अपने CSP पोर्टल पे, वो यही किया हुआ है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि यहाँ पर एक आपको टिक लगाना होगा। टिक लगाने के बाद जैसे ही यहाँ पर आपका होगा नीचे, उसके आपको उस पर क्या डालना होगा, कस्टमर का जो ब्लाइंड पर्सन है उसका आधार कार्ड डालना है, उसके बाद उसका बैंक का नाम डालना है जिस बैंक से वो पैसा निकालना चाहता है। उसके बाद नीचे जो ऑप्शन बढ़ा दिया गया है वो ऑप्शन ये बढ़ा दिया गया है कि आपको उसमें जिस जो पैसा निकाल रहा है, जो ब्लाइंड पर्सन है वो पैसा निकाल रहा है, साथ में उसकी डिटेल पड़ेगी, साथ में जो उसके साथ आया हुआ है उसका रिश्तेदार या कोई भी, उसका भी आधार कार्ड, उसका नाम, एड्रेस, सारा कुछ उसका पड़ेगा, और उसके बाद ही आप उसमें कुछ आगे का प्रोसेस कर पाओगे। तो उसमें कैसे करना है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप वीडियो में देख रखे हो, सबसे पहले मैंने अपना स्टेट बैंक अपना चूज़ कर लिया। चूज़ करने के बाद एक सैंपल के तौर पे मैंने यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल दिया है। आधार नंबर डालने के बाद उसमें विटनेस का भी मैंने अब यहाँ पे आधार नंबर डाल दिया। विटनेस का आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे उसका नाम डाल दिया। नाम डालने के बाद उसका जो विटनेस का एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर हम अपना फिल कर देंगे, उसके विद मोबाइल नंबर वगैरह सारा कुछ करके उसका यहाँ पे एड्रेस फिल करेंगे। फिल करने के बाद यहाँ पे उसका वो सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे हमें बैलेंस ट्राई करनी है, यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही देखो इस तरीके से पॉपअप सामने खुल के आ जाएगा। इस पॉपअप में सारी कुछ जानकारी दी गई है कि, और ये जो पॉपअप है उसमें आपने देख रखा होगा बड़ी हिंदी में लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है, उसमें साफ दे रखा है। ये पॉपअप उसके लिए खुल के आता है जो विटनेस है, उसमें लिखा हुआ है कि मैं इनका रिश्तेदार हूँ, रिश्तेदार का नाम चाचा, दाऊ, ताई, भाई, जो भी है मैं हूँ, मेरे साथ ये व्यक्ति आए हुए हैं, इनकी सारी जिम्मेदारी अभी तक की जो पैसे निकालने की है वो मैं लेता हूँ, एक गवाह के रूप में मैं विटनेस के रूप में इनके साथ आया हूँ, और वो विटनेस के रूप में वहाँ पे काम करेंगे। तो एक फॉर्म ये भरा हुआ है जिसे उनके फिल करना है, उसमें कुछ नहीं करना होता है, वो ऑटोमेटिकली फिल कर हुआ है। केवल इसमें आपको क्या करना होता है, आई एग्री पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। आई एग्री पे क्लिक करोगे तो उसके बाद वो आपके जो फिंगर हैं वो कस्टमर के मांगने लगेगा, और वो फिंगर लगा के बड़ी ही आसानी तरीके से आप उसका विड्रॉल, डिपॉजिट, बैलेंस का जो भी करना है आप कर सकते हो। इसमें सारा कुछ हिंदी में भी लिखा हुआ है और अंग्रेजी में लिखा हुआ है। उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है कि विटनेस के क्या क्या काम होते हैं, विटनेस किस तरीके से काम करेगा, उसका क्या रूप होता है, इसमें क्या उसका रोल है, उसमें विड्रॉल डिपॉजिट में ब्लाइंड मैन के साथ जो अंधे व्यक्ति के साथ आता है उस विटनेस का क्या रोल है, और कौन कौन सा विटनेस इसमें हो सकता है, वो सारा कुछ इसमें दे रखा है। तो दोस्तों आज की वीडियो यही थी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉच।